Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss Negotiable Instrument Act 1881. So in the previous videos we have discussed various acts under business laws and MRTP Act and Competition Act 2002. So if you are preparing for UGC NET or Delhi University examination or for PGT Commerce, then these videos are useful for you. And if you want to know more about our courses, then you can contact to the above given number. So let's get started with today's session. तो अब यहाँ पे हम start करेंगे Negotiable Instruments Act 1881 और इसकी definition से हम यहाँ पर start करेंगे. Negotiable instrument means a promissory note, bills of exchange, cheque, payable either to order or to the bearer. तो अब इस definition को समझने से पहले हम पहले ये समझेंगे कि यहाँ पे जो keyword है negotiable instrument, इसका मतलब क्या होता है, और फिर हम इसकी subsequent keywords को समझेंगे. तो अब यहाँ पे negotiable का मतलब देखते हैं हम पहले. तो negotiable का मतलब है यहाँ पर transferable by delivery, कि negotiable का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि transferable है, सिर्फ delivery से ही वो चीज़ जो है वो transfer हो सकती है. और अब इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट बाय विच अ राइट इज़ क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सम पर्सन, जिससे कोई भी एक राइट क्रिएट होता है, मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिससे एक पर्सन को राइट मिल जाता है उसके फेवर में कि वो अब उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके किसी भी अपने कोई भी राइट जो उसे उस इंस्ट्रूमेंट ने दिया है उसको अचीव कर सकता है, उसको क्लेम कर सकता है. तो ये होता है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का मतलब. तो अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है यहाँ पर अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, कोई भी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट विच क्रिएट्स अ राइट इन फेवर ऑफ समबडी एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, कि ऐसा एक डॉक्यूमेंट जो कि रिटर्न है और उसे एक राइट मिल रहा है एक पर्सन को इन फेवर ऑफ समबडी, किसी भी पर्सन को जिसके पास भी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो उस पर्सन को एक राइट मिल रहा है उसके फेवर में, और वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, जो कि मेयर डिलीवरी से, सिर्फ डिलीवरी से ही उस इंस्ट्रूमेंट की वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो राइट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे पर्सन को जिसको भी वो ट्रांसफ़र किया गया है. तो ये मतलब है यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का. अब जो एक्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक. तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. तो इसीलिए यहाँ पर हमने डेफिनेशन में यूज़ किया है कि यहाँ पर ये प्रॉमिसरी नोट होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, और या फिर एक चेक भी हो सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू द बियरर, जो कि पेबल होगा आइदर टू ऑर्डर, या तो किसी के ऑर्डर करने पर वो चीज़ पेबल होगी, और टू द बियरर, और जो भी होल्डर है जिसके पास भी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको कुछ अमाउंट जो है वो पेबल होगा. अगर उसके पास चेक है तो इसका मतलब कुछ अमाउंट जो चेक पर होगा वो अमाउंट वो बियरर जो है वो उसको क्लेम कर सकता है कोई दूसरे पर्सन को. अब उस पर्सन को, बियरर को, कुछ सर्टेन अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा. तो इसीलिए पेबल टू द बियरर है कि बियरर को वो अमाउंट जो है वो मिलेगा. तो अब यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम क्यों पढ़ रहे हैं, या ये एक्ट जो है वो क्यों बनाया गया, क्या ज़रूरत होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो वो भी हम समझेंगे यहाँ पर. तो अब यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि अब मान लेते हैं कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होनी है, किसी भी एक बिजनेस में कोई ट्रेडिंग हो रही है, और अब वहाँ पर जो है वहाँ पर कैश नहीं है उस पर्सन के पास. तो अब वो पर्सन क्या करेगा, जब उसको अगर डील करना है उसके पास कैश भी नहीं है, तो वो क्या करता है कि वो कैश पेमेंट ना करके उस पर्सन के फेवर में एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है उसको दे देता है, जो कि बेयरर हो जाता है फिर. तो अब वो पर्सन जो है वो कैश ना लेके वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रख लेता है अपने पास, जो कि पेबल होगा जब वो ऑर्डर करेगा तब, मतलब जब बियरर जो है जब वो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेकर आएगा यहाँ पर उस पर्सन के पास जिसने वो क्रिएट करके उस पर्सन को दिया था. लेट से मान लेते हैं ये पर्सन है, अब मान लेते हैं इसके पास जो है वो कैश नहीं था, और अब इस पर्सन को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो दे दिया था इस पर्सन ने.
तो अब इसका मतलब है कि जब ये पर्सन बियरर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का, तो अब ये जो पर्सन होगा वो कभी भी अपना जो कैश है वो क्लेम कर पाएगा उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को दिखाकर, कि उसके पास ये प्रूफ होगा कि आपने पहले कैश पेमेंट नहीं किया था और आपने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया था, लेट्स से चेक दिया था। तो इस केस में, तो अब इस केस में इस पर्सन के पास लेट्स से कोई चेक है, तो अब ये पर्सन जो है वो बैंक में जाएगा और चेक प्रेजेंट करेगा वहाँ पर, और कुछ कैश जो होगा उसके अगेंस्ट वो रिसीव कर लेगा। तो यही यूज़ होता है यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का, और इसी को रेगुलेट करने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 आया था। तो अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या पर्पस है इस एक्ट का, क्यों ये बनाया गया और क्या रोल होगा इसका कॉमर्स में या फिर ट्रेडिंग में या किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया कि डेफिनेशन क्या है, नेगोशिएबल का मतलब क्या है और इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या है यहाँ पर इस एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब यहाँ पे है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इट इज़ अ पीस ऑफ पेपर, ये एक पीस ऑफ पेपर है विच एंटाइटल्स अ पर्सन टू अ सर्टेन सम ऑफ मनी, जो कि एक पर्सन को एंटाइटल करता है कि उसको कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो मिलेगा, विच इज़ ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अब ये तो हमने समझ लिया जो हमने इस एग्जाम्पल में देख लिया था। तो अब ये जो पर्सन है जिसके पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, तो ये वही पर्सन है जिसके पास वो पीस ऑफ पेपर है जो कि उसको एंटाइटल करेगा कि वो पर्सन जो है वो सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो रिसीव कर लेगा बाद में इस पर्सन से जिसने उसको वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है। अब ये विच इज़ ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, अब ये जो पर्सन है लेट्स से अब ये जो है वो इस पर्सन के प्लेस पर है कि इसको भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करना है और इसके पास भी कैश नहीं है, तो अब ये जो पर्सन है लेट्स से इसको किसी थर्ड पर्सन के साथ अब ट्रेडिंग करनी है, तो अब ये पर्सन क्या करेगा, ये वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो उससे पहले इस पर्सन से मिला था वो इसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र कर देगा किसी थर्ड पर्सन के पास, क्योंकि अब ये उस पोजीशन पे है जिस पोजीशन पे ये पर्सन था पहले, और अब ये पर्सन जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र कर देगा ये थर्ड पार्टी को जिसके साथ भी वो डील करने वाला है आगे। तो अब इस पर्सन के पास राइट आ जाएगा कि ये जो है वो सर्टेन सम ऑफ मनी जो है बाद में क्लेम कर पाए। तो अब इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि ये ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रीली ट्रांसफरेबल है, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि इट इज़ फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, तो बाय मेयर डिलीवरी से ही ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसका टाइटल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा टू अनदर बाय डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अब यहाँ पर एंडोर्समेंट से भी ट्रांसफ़र हो सकता है, तो यहाँ पे एंडोर्समेंट का मतलब है कि ट्रांसफरिंग टाइटल और ओनरशिप, कि हम उस जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसकी ओनरशिप और उसका टाइटल जो है वो किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं ये जो पर्सन था जिसको इस पर्सन ने कैश के बदले में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था, तो अब ये पर्सन जो है वो अब इसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र करना चाहता है इस थर्ड पार्टी को जिसके साथ वो डील करना चाहता है आगे। तो अब इस केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पर्सन ने जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो इंडोर्स कर दिया है इस पर्सन के फेवर में। तो एंडोर्समेंट का मतलब यहाँ पर है ट्रांसफरिंग टाइटल और ओनरशिप, कि उसने वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है उसका टाइटल ट्रांसफ़र कर दिया है किसी थर्ड पर्सन को, उसकी ओनरशिप एंड टाइटल जो है वो डिलीवरी और एंडोर्समेंट से उसने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो यही यहाँ पर मतलब था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का। अब ये जो टर्म है एंडोर्समेंट, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में, और इसको समझना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो अब ये एंडोर्समेंट वाली टर्म को, इससे पहले कि हम आगे डिस्कस करें, हम पहले फीचर्स देख लेते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के फीचर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट फीचर है फ्रीली ट्रांसफरेबल टू एनीवन। तो हमने यहाँ पर इस एग्जांपल में देख ही लिया कि ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है, किसी को भी ये पर्सन जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, तो इसीलिए यहाँ पर है फ्रीली ट्रांसफरेबल टू एनीवन।
सेकंड है कैन बी ट्रांसफर्ड इनफिनाइट टाइम्स। तो अब ये इनफिनाइट टाइम्स जो है वो ट्रांसफर हो सकता है कि कितनी भी बार हम इसको ट्रांसफर कर पाएंगे। ये तो हमने यहाँ पर देखा, ये दो ही बार ट्रांसफर हुआ, पहले यहाँ से इसके पास आया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फिर इस पर्सन ने यहाँ पर इस पर्सन को ट्रांसफर किया। तो अब ऐसे ही ये पर्सन भी जब आगे ट्रेड करेगा तो वो ये भी उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर सकता है, फिर जिस पर्सन को इसने ट्रांसफर किया होगा वो भी आगे ट्रांसफर कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये ट्रांसफर हो सकता है इनफाइनाइट टाइम्स। नेक्स्ट है होल्डर कैन रिकवर मनी इन हिज ओन नेम। जो भी होल्डर होगा जिसके पास भी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा वो पर्सन जो है वो मनी क्लेम कर सकता है, रिकवर कर सकता है अपने नाम पे, ओन नेम पर वो अपना जो मनी होगा उसको रिसीव कर पाएगा, रिकवर कर पाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स विल एक्वायर अ बेटर टाइटल इवन इफ द टाइटल ऑफ ट्रांसफरर इज डिफेक्टिव। तो अब इसका मतलब ये है कि आपको याद होगा हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में डिस्कस किया था, वहाँ पर एक मैक्साइम हमने पढ़ा था कि नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ हैज़ नॉट गॉट। तो अब उसी को यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो डिफाई करती है। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा, जो भी होल्डर होगा उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, अब इस टर्म को भी, होल्डर इन ड्यू कोर्स को भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर इतना ही समझना काफ़ी है कि मान लेते हैं ये एक होल्डर है, विल एक्वायर अ बेटर टाइटल इवन इफ द टाइटल ऑफ ट्रांसफरर इज डिफेक्टिव। चाहे अब ट्रांसफरर जो था जिसने लेट्स से फर्स्ट टाइम उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया था, जो हमने यहाँ पर देखा कि इस पर्सन ने ट्रांसफर किया था इस पर्सन को, तो अब चाहे इस पर्सन के पास खुद बेटर टाइटल नहीं है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, लेकिन फिर भी वो इस इंस्ट्रूमेंट का बेटर टाइटल जो है वो दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ऐसा हमने डिस्कस किया था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता था कि जिस पर्सन के पास जो चीज़ नहीं है वो चीज़ या उससे बेटर चीज़ किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर पाए। नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ हैज़ नॉट गॉट, कि जिस पर्सन के पास जो खुद नहीं है वो किसी दूसरे पर्सन को नहीं दे सकता या कोई बेटर चीज़ उसको नहीं ट्रांसफ़र कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो भी ट्रांसफरर होगा चाहे उसके पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बेटर टाइटल नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ बेटर टाइटल जो है वो बियरर को ट्रांसफ़र कर सकता है, होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो आई होप आप इस पॉइंट को भी समझ गए होंगे, एंड डोंट वरी, हम आगे होल्डर इन ड्यू कोर्स को भी आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो तब आप इस पॉइंट को और क्लियरली समझ जाएंगे। तो अब यही थे फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, कि अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं जो हमने यहाँ पर डेफिनेशन में ही डिस्कस कर लिया था। तो अब यहाँ पे हमें थ्री टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट है प्रॉमिसरी नोट, सेकंड है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एंड थर्ड है चेक। तो अब इनको हम आगे वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब इससे पहले हम डिस्कस करते हैं एंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, तो उसी को हम आगे यहाँ पर और अच्छे से समझते हैं कि साइनिंग ऑन द फेस और बैक ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि अब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे साइन कर रहे हैं। अब इसको आगे समझने से पहले हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपने कभी जब कोई चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट कराया होगा, जब अपने नाम से आपने कोई भी चेक डिपॉजिट कराया होगा, तो आपने उस चेक के बैक साइड पे, उस चेक के पीछे कुछ साइन किए होंगे अपने। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने उस चेक को इंडोर्स कर दिया है, मतलब मैंने ऐसा ऑर्डर दे दिया है बैंक को कि आप जो मेरा अकाउंट है उसमें से मुझे सर्टेन अमाउंट जो है वो आप मुझे दे दोगे कैश में, जो भी अमाउंट मैंने चेक के ऊपर मेंशन किया है वो। तो इस साइनिंग ऑफ द चेक को ही हम बोल देते हैं कि हमने इंडोर्स कर दिया है उस चेक को। तो यहाँ पर भी हमारा मतलब यही था एंडोर्समेंट से। तो अब ये है साइनिंग ऑन द फेस और बैक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चेक भी यहाँ पर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है और हमने उसी के पीछे साइन कर दिया है, तो इसको हमने एंडोर्स कर दिया है अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। तो इसका यही इतना ही सिंपल मीनिंग है, बस इसका जो सिग्निफिकेंस है वो समझना इम्पॉर्टेंट है
कि हम यहाँ पर साइन कर रहे हैं ऑन द फेस और बैक ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर एनेक्स्ड बाय द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर नेगोशिएटिंग सच नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कि हम यहाँ पर किसी स्लिप पर भी उसको साइन कर सकते हैं कि अब यहाँ पर होल्डर जो है वो पोजेशन ले रहा है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ताकि वो उसको आगे नेगोशिएट कर पाए। तो यही मतलब है यहाँ पर साइन करने का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। जैसे हमने यहाँ पर चेक लिया तो हमने उसके पीछे जो है वो सिग्नेचर कर दिया और हमने बैंक को ये ऑर्डर दे दिया कि अब उस चेक में जो भी सर्टेन अमाउंट लिखा होगा वो आप हमें उसको ट्रांसफ़र कर दो। तो यही होता है एंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो अब यहाँ पे असेंशियल्स क्या हैं एंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के, कि यहाँ पर मस्ट बी इन राइटिंग, कि ये जो एंडोर्समेंट है ये राइटिंग में ही होनी चाहिए। राइटिंग में अगर नहीं हुई तो उसको हम एंडोर्समेंट नहीं कंसिडर करेंगे। तो इसीलिए हम साइनिंग को ही बोल देते हैं क्योंकि कुछ रिटर्न में हो रहा है एटलीस्ट। तो इसीलिए यहाँ पर मस्ट बी इन राइटिंग होना चाहिए जो एंडोर्समेंट है वो। तो एंडोर्समेंट का ये असेंशियल्स हैं। एंड साइंड बाय पार्टीज, जो भी पार्टीज होंगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की उनके द्वारा साइंड होना चाहिए वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। वो जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वो साइन करेंगी उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। जैसे हमने यहाँ पर चेक के केस में देखा कि अगर मैं हूँ पार्टी टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो मैंने उस चेक को साइन कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पर साइंड बाय, मस्ट बी साइंड बाय द पार्टीज होना चाहिए। इट मस्ट बी फॉर होल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये सारे इंस्ट्रूमेंट के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका कुछ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ही आप एंडोर्स कर रहे हैं, तो वो होल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के लिए होना चाहिए। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी डिलीवर्ड, और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको लेकर रख लेंगे अपने पास कि मैंने जो चेक है उसको साइन किया पीछे और फिर अपने पास ही रख लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका फिर कोई पर्पज़ ही नहीं होगा। कि जब तक वो चेक जो है वो बैंक तक नहीं पहुंचेगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है उसका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होने का। तो इसीलिए यहाँ पर डिलीवरी इम्पॉर्टेंट है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। तो हमने यहाँ पर देखा कि वो राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, और होल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी डिलीवर्ड, कि वो डिलीवर्ड होना चाहिए। तो यही असेंशियल्स थे एंडोर्समेंट के, कि हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एंडोर्समेंट से क्या समझते हैं और क्या असेंशियल्स होंगे उसके। तो अब हम आगे यहाँ पर एंडोर्समेंट के टाइप्स देखेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स करने के क्या क्या टाइप्स हैं, और हम डिस्कस करेंगे कि हम प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक को कैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, और इन तीनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंदर। सो आई होप आपको बेसिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समझ में आया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।